हेलो फ्रेंड्स, द फूडी स्टॉप में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बढ़िया से तीखे पानी से भरे हुए खट्टे मीठे गोलगप्पे, फ्लेवर्ड गोलगप्पे आपको सिखाऊंगी जो कि मैं मैंगो फ्लेवर से बनाऊंगी। तो गोलगप्पे बनाते हैं बिना टाइम वेस्ट करे हुए, क्योंकि मुझे पता है मैंगो फ्लेवर गोलगप्पे का नाम सुनते ही आप सबके मुँह पर पानी आ गया। तो शुरू करते हैं गोलगप्पों को बनाना। मैंगो गोलगप्पे बनाने के लिए आजकल ये बाज़ार में आपको एक पैकेट मिलता है जिसमें खूब सारे गोलगप्पे होते हैं, तो आप लाकर उनको इस तरह तल लीजिए और घर में ही इस तरह के गोलगप्पे बन जाते हैं। नहीं तो आप आटे और सूजी के भी बना सकते हैं। इसके लिए मैंने लिया है, क्योंकि हम सारा मैंगो फ्लेवर गोलगप्पे बना रहे हैं, कच्चा आम है ये, एक आम लिया है मैंने, ये एक मैंने पका हुआ आम लिया है। इनको मैंने स्लाइसेस में रफली स्लाइसेस काट लिया है। ये है पुदीना के पत्ते, काला नमक, सफ़ेद नमक, लाल मिर्ची बूंदी, और ये है स्ट्रॉबेरी की खट्टी मीठी चटनी। ये सॉस है, ये मैं आपको सिखा दूंगी, ये मैंने घर पर ही बनाई है। ये है लेमन जूस, और ये है पुदीने का जीरे का पाउडर, ये है एक चम्मच चीनी। तो गोलगप्पे का सबसे मेन पार्ट होता है वो होता है गोलगप्पे का पानी। तो सबसे पहले हम पानी तैयार करते हैं। इस तरह से हम जार लेंगे, जार में हम डालेंगे ये कच्चा कटा हुआ आम। इसमें मैं डालूंगी 3 से 4 पुदीने के पत्ते, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा सफ़ेद नमक, अंदाजे से डालिएगा, थोड़ी सी लाल मिर्ची, ये एक चम्मच का 5वां हिस्सा है, थोड़ा सा जीरा भुना हुआ, अभी हम इसके ऊपर से थोड़ा सा बाद में डालेंगे। अब मैं इसमें डालती हूँ पानी, 2 कप पानी डाल दिया है मैंने। इसको बंद करेंगे और इसको अच्छी तरह से हम ब्लेंड कर लेंगे। पानी जो है वो तैयार हो गया है गोलगप्पे का, तो अब मैं इसको खोलकर एक बाउल में इसको ट्रांसफ़र कर लेती हूँ, क्योंकि पानी तो आपको पता है गोलगप्पे खाने जाते तो भैया से 2 या 3 बार पानी तो हमने ज़रूर पीना ही पीना है। तो ये तो मैंने इसमें डाल दिया है पानी, इसमें पानी और जाएगा, सादा पानी, पानी हमें ज़्यादा बना लेंगे। ये मैंने डाल दिया है, तो अब मैं इसमें ये बूंदी, 2 चम्मच बूंदी है ये डालूंगी, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा और डालूंगी, ये लेमन जूस है 1/2 चम्मच, थोड़ी सी चीनी 1/2 चम्मच, थोड़ा सा काला नमक, बस। अब हम इसमें और कुछ नहीं डालेंगे। अगर आपको और ज़्यादा तीखा करना है तो आप इसमें थोड़ी सी लाल मिर्ची और डाल सकते हैं, नहीं तो काली मिर्ची डाल सकते हैं। इसको ठंडा करने के लिए इसमें मैं डालूंगी थोड़ी सी बर्फ, क्योंकि पानी जो है गर्म हो तो गोलगप्पों का टेस्ट नहीं आता। तो ठंडा पानी, इसमें बर्फ के 10-12 क्यूब्स मैंने डाल दिए हैं, इसको मैं साइड में रख देती हूँ। और अब हम क्या करेंगे, ये मैंगो जो पका हुआ मैंगो है, इसको इसका पल्प जो है हम बना लेंगे, बिल्कुल स्मूथ बनाएंगे एकदम। तो एक बार फिर से हम लोग इसको पीस लेंगे। बस ये हो गया। अब हम गोलगप्पे की तैयारी करते हैं। तो आप देखिए गोलगप्पे की रेडी तो हो गई है तैयार। और अब हम क्या करेंगे, ये देखिए इसमें मैं क्या करती हूँ, थोड़े से ये पुदीने के पत्ते ऐसे ही रफली तोड़कर
इसमें बूंदी के साथ डाल देती हूँ। इसका एक बहुत ही फ्रेश फ्लेवर और बड़ा ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो ये मैंने डाल दिए हैं, इसको एक बार फिर से मिला लेती हूँ। पानी देखिए आप कितना अच्छा लग रहा है, और यकीन मानिए पीने में इतना टेस्टी बनेगा। आप ज़रूर बनाइएगा इस गोलगप्पा को और ट्राई करिएगा। तो अब इस तरह से एक एक करके गोलगप्पा उठाऊँगी और इसको बीच में से हल्का सा टक मारेंगे। ये देखिए अब क्या करेंगे, ये मैंने जो स्ट्रॉबेरी सॉस बनाई हुई है ये मैंने घर पर बनाई है, ये मैं आपको ज़रूर सिखा दूंगी, ये बहुत टेस्टी बनती है। तो इसमें सबसे पहले हम ये थोड़ी सी चटनी डालेंगे, जैसे कि आप भैया को बोलते हो भैया थोड़े तीखे, कोई बोलता है थोड़े मीठे, तो ये तो मैं तो जो बना रही हूँ तीखे मीठे खट्टे सब बराबर हो जाएंगे आपके। तो इसमें अब डालूंगी मैं ये मैंगो का पल्प, जो कि हमने पल्प भरा हुआ बनाया अभी, ये पके हुए आम का पल्प है। ये देखिए आप यकीन मानिए आप इसको जरूर ट्राई करिएगा, ये गोलगप्पे बहुत ही बढ़िया है। इसी तरह से मैं चार पांच गोलगप्पे भर लेती हूँ। ये देखिए चटनी डाल लीजिए, मैंगो पल्प डाल लीजिए। मैंगो से तो इतनी चीज़ें बनती हैं, पर मैंने कहा चलो इस बार आपको मैं मैंगो के गोलगप्पे भी खिलाती हूँ। तो ये भी डाल लिए, इस तरह से मैं भर लेती हूँ। गोलगप्पे मैंने भर लिए हैं, तो अब मैं आपको इसकी बढ़िया सी प्लेटिंग बताती हूँ। इसके गोलगप्पों की प्लेटिंग मैं इसमें करूँगी। ये देखिए ये बिल्कुल छोटे छोटे से ग्लास हैं जिसमें कि एक गोलगप्पे का पानी आ जाता है। तो आप इस तरह से जब आप होटल में या कहीं जाते हैं तो आपको इसी तरह मिलते हैं, पर जो स्ट्रीट फूड पर, जो स्ट्रीट पर खाने का मज़ा है गोलगप्पों का, भैया की रेड़ी पे खड़े होकर और बार बार पानी मांगने का, उसका तो खैर मज़ा ही अलग है। तो चलिए बातें कम करते हैं और इसमें डालते हैं पानी। ये देखिए कितने बढ़िया सा इसमें मैंने इस तरह से पानी डाला है, और अब इसके ऊपर रखते हैं हम ये इस तरह से आम और स्ट्रॉबेरी की चटनी से भरे हुए गोलगप्पे। ये देखिए और ये देखिए, इस तरह से लगा दिए मैंने गोलगप्पे, और एक थोड़ा सा इसमें मैं पुदीने का एक एक पत्ता लगाऊंगी। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लगाइए, नहीं तो आप इसी तरह से इंजॉय करिए। ये देखिए है ना बढ़िया से लग रहे हैं ना, मुंह में पानी आ गया आप लोगों के। तो इसी तरह से बहुत इजी है ये बनाना। मैंने तो बढ़िया से गोलगप्पे तैयार कर लिए हैं और अब आपकी बारी है, आप बनाइए। अगर आपको ये गोलगप्पे देखकर आपके मुंह में पानी आ रहा है तो फ्लेवर्ड गोलगप्पे हैं, आम के गोलगप्पे हैं, आम रस डाला है और कच्चे आम का हमने इसका पानी बनाया है, पूरे का पूरा फ्लेवर मैंगो है। मैं आपसे ज़्यादा बातें इस समय नहीं करूँगी क्योंकि इसको देख के मैं तो नहीं रुक पा रही, मैं तो ये गोलगप्पे खाने वाली हूँ। आपकी वीडियो, आप ये वीडियो देखें और इसको बनाएं, और मैं वीडियो बंद कर फटाफट ये गोलगप्पे खाने वाली हूँ, तो आप भी इंजॉय करें। ये देखिए,